हुडकेश्वर रोड पर स्थित डांगे लॉन में वेटर का काम करने वाले तीन युवकों ने कैटरिंग व्यवसायी और उसके भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चाचा भतीजे बुरी तरह जख्मी हो गए, चाचा की मौत हो गई। मृतक संत तुकाराम नगर और कामठे निवासी अखिलेश श्यामलाल मिश्रा बताए गए। उनके भतीजे ओम उमेश मिश्रा का उपचार मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को सिटी का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, 64 से 2.2 डिग्री कम रहा। कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से बंद शालाएं अब 4 जनवरी से खुलेंगे। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र में एक महिला जिंदा जल गई, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। महिला द्वारा दिए गए बयान से बवाल मच गया है, पुलिस प्रशासन काम पर लग गया है। इस प्रकरण में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। ससुराल वालों ने बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, लगातार उसे यातनाएं दी जा रही थी। इसी बीच ससुर ने उसे चौथे माले से नीचे ढकेलकर जान से मारने की कोशिश की। जख्मी महिला ने उपचार के दौरान पुलिस को दिए गए बयान में घटना की जानकारी दी। बजरिया परिसर में अपराधियों की सक्रियता को लेकर नागरिक परेशान थे। परिसर के नागरिकों में कानून व्यवस्था को लेकर फैले रोष को देखते हुए डीसीपी जोन 3 लोहित मतानी ने खुद शनिवार को बजरिया चौक पर नागरिकों की बैठक लेकर परेशानी जानने का प्रयास किया। अगस्त महीने पूरे नागपुर संभाग में आई बाढ़ से हुई भारी नुकसान का जायजा लेने आई केंद्र सरकार की टीम ने नुकसान की बात स्वीकार की है, लेकिन टीम ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिया है कि नुकसान की रिपोर्ट दोबारा तैयार कर सरकार को भेजे। पूर्व मंत्री अनीस अहमद के खिलाफ पूर्व पार्षद और शिक्षण संस्थान के संचालक नवनीत सिंह तूली ने कोर्ट में सिविल केस दायर किया है। उन्होंने बताया कि दो कॉलेज बेचने के नाम पर अनीस ने 4.95 करोड़ रुपए लिए, लेकिन पजेशन नहीं दिया। यशोधरा नगर पुलिस ने शुक्रवार की रात रानी दुर्गावती चौक के समीप स्थित डे नाइट होटल पर छापा मारा। यहाँ खुलेआम ग्राहकों को शराब पीने की सुविधा दी जा रही थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य रेल मुंबई जोन द्वारा 65वां वार्षिक रेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष नागपुर मंडल को मंडल रेल प्रबंधक रीचा खरे के मार्गदर्शन के लिए गए उत्कृष्ट कार्यों के चलते कुल 21 एफिशिएंसी शील्ड में से व्यक्तिगत स्तर पर 5 जबकि संयुक्त स्तर पर 3 शील्ड प्रदान की जाएगी।